एवरीवन, वेलकम टू बैक माय न्यू ब्लॉग। गाइज, आज हम जा रहे हैं घूमने के लिए पर्वती पहाड़। तो अभी हम पर्वती पहाड़ जा रहे हैं, तो अभी हम गाड़ी निकालते हैं और फिर निकलते हैं पर्वती पहाड़ पे घूमने के लिए। हम पर्वती पहाड़ पे आ गए हैं, तो अभी हम सफ़र में हैं। देखिए, ये इधर सीढ़ी है, इधर देख सकते हैं पहाड़ है। तो अभी हम देखिए इधर गांव कितना ऊंचा चढ़ गए हैं हम। अभी गांव देखिए कितना छोटा सा दिख रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा मंजिल इधर है। तो देखिए इधर आपको रोड दिख रहा होगा, इधर पहाड़ देखिए। अभी और सफ़र है ऊंचा, अभी और जाना है ऊपर। तो अभी हम फाइनली पहुंच गए हैं, तो अभी हम पूरे पहाड़ के ऊपर पहुंच गए हैं। तो अभी हम आपको दर्शन करवाते हैं। देखिए इधर गुफा है, पर्वती पहाड़ पे इधर गुफा है, ठीक है। कभी आइएगा तो देखिएगा। ये गुफा में इधर बोलते हैं कि इधर बुद्ध भगवान रहते हैं, पर इधर लॉक कर दिया जाता है, इधर किसी को जाने की अलाउ नहीं है। पर हम कोशिश करेंगे कि अगर खुला है कि लॉक है, तो आइए हम दिखाते हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। देखिए किधर किधर गुफा गाइस। तो इधर है ना जो लॉक किया गया है, आप देख सकते हैं, ये बुद्ध भगवान है। आप कैमरे में दिख रहे होंगे, देखिए बुद्ध भगवान है। पर यहाँ पे क्या है, गेट लगा हुआ है, ठीक है, दो चार देख सकते हैं, लॉक लगा हुआ है, आपको दिखाई दे रहे होंगे। इधर गुफा है, क्योंकि ये जो गुफा है ना, वो करीब 4 से 5 किलोमीटर दूरी तक है, ठीक है। इसमें बोला जाता है पहले के जो राजा रहते थे, इसमें शेर रहा करता था, ठीक है। इसमें बहुत दूर 4 से 5 किलोमीटर तक गुफा है। चलिए तो फिर मैं आपको बुद्ध भगवान की दर्शन करवाते हैं। बुद्ध भगवान जो कि पर्वती पहाड़ के ऊपर हैं। तो आइए, हम आप आइएगा कभी, ठीक है। पर्वती पहाड़ का यही है, बुद्ध भगवान है, और आगे मंदिर है। तो आइए हम आपको उसको भी दिखाते हैं। तो यही है मंदिर, वो जो कि पर्वती पहाड़ के ऊपर है। आपको लाइट दिख रहा होगा, उसके लिए नहीं, मैं आइए इसको मंदिर को दिखाते हैं। देखिए इधर साइड, देखिए मंदिर, उस साइड का नज़ारा देखिए, पर्वती पहाड़ है जो कि चारों साइड का नज़ारा है। देखिए आपको दिख रहा होगा, ये पर्वती गांव है। देखिए आपको दिख रहा होगा दूरी से, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। जो भाई आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।